नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपनकु स्वागत करुची ओडिया माइथोलॉजी रो ए न्यू एपिसोड को। कोन आपन जानिछंती केमिति श्रीकृष्णक वैभवशाली द्वारिका साम्राज्य जलमग्न होई ध्वंस होई जाइथिला, केमिति श्रीकृष्णक अपराजित अक्षिणी यादव सेना ध्वंस होई गेला, केमिति भगवान श्रीकृष्ण त्रिभुवनपति गोटे साधारण मनीष भलिया मृत्युवरण कले, आसंतु ए वीडियो माध्यम रे जानिबा। आमे आज आपणक नहीं जीवु घटनाक्रम प्रारंभ को, अर्थात द्वापर युग को तथा महाभारत युद्धर शेष समय को। से समय कौरव वंश संपूर्ण निपात हो सारी, गांधारी एवं कौरव पत्नी मैंने युद्ध क्षेत्र में विभत्स दृश्य देखु थी। सेठी श्रीकृष्ण एवं पांडव मैंने पहुँचिले, देखी गांधारी क्रोधित हो गले एवं कहिले, देखुंट केशव केमिति कुरुवंशर नारी मैंने क्रंदन करपर से क्रोधित हो कहिले, हे माधव मु आपण को अभिशाप देउची, जेपरी कुरुवंश ध्वंस हो गला ठीक से हीपरी आपण जादव वंश मध्य ध्वंस हो समूल विनाश हो। जादव सेनार गौरव आपण जदुवंशी निराश्रा हो मृत्युवरण करेंगे। यहपर श्रीकृष्ण यही अभिशाप को ग्रहण कले एवं कहिले, माता आपणक ये अभिशाप निश्चय फलवती हेबो। यार किछि वर्ष पर गांधारी अभिशाप द्वारिका उपरे पड़ा लगला। यह देखि श्रीकृष्ण समस्त जदुवंशी जादव सेना को नहीं प्रवास क्षेत्र पलाईगले एवं सेठारे जदुवंशी को रहिबा को कहिले। मात्र गांधारी अभिशाप जो समस्ते निज निज भितर झगड़ा हेले, मदमाश्चर्य बुड़ी रहिले, निशाजुक्त हो निज निज भितर हणाकटा हो मृत्युवरण कले। अक्षिणी अपराजित जादव सेना निजकु निज शेष करदेला। यही युद्ध पर केवल बब्रु एवं दारुक ही बर्ती जाइए। से समय श्रीकृष्ण जंगल मध्य सियाली लतारे सोइथिले, अचानक तांको गोड़े गोटे तीर आसी बाजिला। यही तीर चलाइथिला गोटे शबर, तांको गच्छ पत्र गहली भितर श्रीकृष्ण पाद हरिणर कान पर दृश्यमान होता। से श्रीकृष्ण पाखक आसी क्षमा प्रार्थना करथिला, किंतु श्रीकृष्ण कहिले एसबू माता गांधारी अभिशापर फल। से समय श्रीकृष्ण सारथी दारुक सेठे पहुँची जाइले एवं जदुवंशी और जादव सेना ध्वंस होबार सूचना देते। श्रीकृष्ण कहिले, दारुक द्वारिका जाओ एवं द्वारिकावासी को सूचना दियो, अक्षिणी जादव सेना एवं जदुवंशी समूल विनाश घटी एवं श्रीकृष्ण धरा छाड़ी वैकुंठ फेरी जाइछन्ति। तेणु द्वारिकावासी द्वारका छाड़ी हस्तिनापुर को जाइ बास करंतु, कारण किसी समय द्वारिका जलमग्न होगा जाऊँगी। यहपर दारुक द्वारिकावासी को नहीं हस्तिनापुर चली जाइए। यहपर द्वारिकार भीषण रु अति भीषण वर्षा होगा लगला एवं संपूर्ण वैभवशाली द्वारिका जलमग्न हो जाइला। यह आज विषय वस्तु। धन्यवाद दर्शक बंधु, जदि आपन को आमर यह भिडटे पसंद आसूँ एवं आपन नुआ नुआ वीडियो देखिबा को चाहूँ तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करनी।